महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है और आगामी चुनाव में हम एकजुट होकर लड़ेंगे, ऐसा विश्वास महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने व्यक्त किया है। रमेश चेन्नीथला ने मातोश्री जाकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे फिलहाल अस्पताल में है, इसलिए उनकी तबीयत की जानकारी ली गयी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए रमेश चेन्नीथला ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। आज 3 बजे हमारे बीच सीट बंटवारे पर अहम चर्चा होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि संजय राउत, नाना पटोले और जयंत पाटिल मिलकर सीट बंटवारे का अंतिम निर्णय लेंगे। मैं माधोसी में आके उद्धव ठाकरे जी के को मिला, वो हॉस्पिटल में था, बीच में उनके तबियत पूछने के लिए मैं गया। उनकी अभी तबियत ठीक है और महाविकास आघाड़ी का तबियत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन, सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाएगा। मन मुटाव था वो सब, उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जयंत पाटिल और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा कर। उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। अब देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी की इस बैठक में क्या निर्णय दिए जाते हैं। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।